41 साल पहले रिलीज हुई थी वो फिल्म। आखिर ऐसा तो क्या था वो फिल्म में जो आज भी लोग उस फिल्म के कलाकारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म नदिया के पार की। नमस्कार, फिल्मी तराना चैनल के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो आपने नदिया के पार जरूर देखी होगी, ना भी देखी हो तो फिल्म के गाने तो सुने ही होंगे। गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी सुपरहिट थी। गुंजा ने अपनी खूबसूरती और अपने अंदाज से सभी को अपना फैन बना लिया था। एक्ट्रेस साधना सिंह ने फिल्म नदिया के पार में गुंजा का रोल प्ले किया था। ये फिल्म यूपी के एक छोटे से गांव पर बेस्ड थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। खुद साधना को भी नहीं पता था कि ये फिल्म उन्हें रातों रात स्टार बना देगी। साधना सिंह को फिल्मों का शौक था और वो अपने बहन के साथ एक फिल्म की शूटिंग देखने गई थी। फिल्म मेकर की उन पर निगाह पड़ी और फिर क्या, उन्होंने साधना को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने का सोच लिया। यूपी के कानपुर के छोटे से गांव के रहने वाली साधना ने फिल्म साइन की और वो इतनी पॉपुलर हुई कि लोग आज भी उन्हें गुंजा के नाम से ही जानते हैं। गुंजा इतनी पॉपुलर हो गई कि लोग अपनी बच्चियों का नाम गुंजा रखने लगे। साधना जहां जाती लोग उनसे मिलने के लिए पहुंच जाते, कई बार तो पुलिस के डंडे भी खाने पड़ते थे। नदिया के पार की शूटिंग जौनपुर के एक छोटे से गांव में हुई थी। शूटिंग के दौरान साधना और गांव वालों के बीच करीबी रिश्ता बन गया था। जब फिल्म की शूटिंग खत्म हुई तो गांव के लोग रोने लगे थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि साधना एक्टर होने के साथ साथ सिंगर भी हैं। साधना ने नदिया के पार के अलावा तुलसी, औरत, ससुराल, पत्थर और पापी संसार जैसी फिल्में भी की हैं। मगर इतनी फिल्मों के बाद भी साधना आज लाइमलाइट से दूर हैं। दरअसल शादी के बाद साधना सिंह ने फिल्मों से दूरी बना ली थी। वो अपने शादीशुदा जिंदगी में बिजी हो गई थी। नदिया के पार के निर्माता सूरत बड़जातिया के पिता ताराचंद बड़जातिया थे। बाद में सूरत बड़जातिया ने इसी फिल्म का रीमेक बनाया जिसका नाम रखा हम आपके हैं कौन। इस फिल्म में सलमान खान और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे। ये फिल्म भी जबरदस्त हिट हुई थी। माधुरी और सलमान की जोड़ी भी सुपरहिट हो गई थी। गुंजा यानी साधना सिंह ने फिल्म प्रोड्यूसर राजकुमार शाहबादी से शादी की थी। उनकी एक बेटी शीना और एक बेटा हुआ। शीना भी अब एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। शीना की माँ एक्ट्रेस थी, इसलिए उनमें भी हीरोइन बनने की इच्छा जागी। साधना ने अपनी बेटी को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी और शीना ने अपने करियर की शुरुआत साल 2009 में फिल्म तेरे संग से की। फिल्म में शीना कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस फिल्म में उन्होंने नाबालिग गर्भवती का किरदार निभाया था। इसके अलावा वे जॉन अब्राहम की फिल्म आई मी और मैं में भी नजर आ चुकी हैं। शीना ने इसके बाद कई फिल्में की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हिंदी फिल्मों में अच्छे ऑफर्स ना मिलने पर उन्होंने साउथ की फिल्म इंडस्ट्री की ओर रुख कर लिया था। अक्टूबर 2008 में उन्होंने रिटायर्ड ACP अशोक गोरे के बेटे वैभव गोरे से शादी की थी, लेकिन शीना की शादीशुदा जिंदगी को 2 महीने भी नहीं चले और उनका तलाक हो गया था। कैसा लगा आपको साधना सिंह के बारे में हमारा बनाया गया ये वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।